नवनीत राणा और शिवसेना के बीच का युद्ध थम नहीं रहा है। सेना नेताओं की ओर से रोजाना नवनीत राणा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने भी नागपुर में पत्र परिषद लेकर नवनीत राणा के हनुमान चालीसा मामले को नौटंकी कहा है। ये प्रसिद्धि के लिए किया हुआ नाटक है। आगे तुमाने ने कहा कि ये सब झूठ था, इसलिए भगवान हनुमान ने उन्हें दंड दिया है और आज वे जेल में है। आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान की पूजा हर हिंदू व्यक्ति करता है। हर धर्म के लोग अब अपने भगवान की, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई यीशु को पूजता है, सब जने अपने जो कोई उनके दाता होते, भगवान होते, उनकी पूजा करता है। लेकिन इस तरह से एक चौरस्ते पे आके किसी सरकार को चैलेंज करके कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये केवल नौटंकी है। ये प्रसिद्धि के लिए किया हुआ नाटक है और भगवान को भी वो पसंद नहीं आया, तो इसलिए हनुमान जी ने, आप जानते हैं हनुमान जी साक्षात हनुमान जी है ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, और उसके बहुत सारे परिणाम हम लोग भी देखते हैं, सारे लोगों को उसका है। तो भगवान ने उसके जो झूठ बोला, जो नौटंकी किया, इस नौटंकी का प्रसाद भगवान ने उसको दिया कि जो भगवान भी उसको बचाने के लिए नहीं आए, और हमने देखा कि उसको आज जेल की हवा खाने पड़ रही है। और जेल में झूठ बोलने का कारनामा भी भगवान के शायद कुछ सेंस मिला होगा, तो आपने देखा है कि वो कैसे झूठ बोल रही है, कैसी जनता में भ्रम पैदा कर रही है, लोगों को बहकाने का काम कर रही है। ये आपको कल वीडियो के मार्फत आपको दिख गया है और भी आज भी कुछ आपको उसमें दिखेगा।